इन्होंने जाहिद रवि डेरिक राज इन्होंने चेयरमैन बनाया है मिस्टर पराव कुनलेश पराड़कर वो उनके आदमी राज का एक सागर आदमी है ये हमारा एक डांसर पुनीत को शूटिंग में जाके मारता है ये डांसर लोग डर गए लड़के लड़के आजकल किधर भी बात करने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पे गुंडे खड़े हो जाते हैं दस दस बारह दाढ़ी वाले और उन लोग ऐसे बदन पे के चढ़ने मारने करते तो इन लोग कहाँ जाएंगे ऐसा थोड़ी होता है ये ब्रिटिश राज है क्या लगान दो ये करो अच्छा वो डांसर ने पैसा नहीं दिया उधर नहीं भरा इधर नहीं देगा उसको शूटिंग में से निकाल दो उसका चार पेमेंट रोक दो ये सब राज और जाहिद रवि डेरिक जो कर रहे हैं सरोज जी को क्यों नहीं दिखता सरोज जी को क्यों नहीं दिख रहा ये सरोज जी में इतना अगर पावर है तो डांसर्स के सामने आए ना जो पैसा लेके चेयर पर बैठ के मैं एम्बेसडर हूँ मैं ये कर रही हूँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको इतना है तो मैं अभी सरोज जी को बोल रहा हूँ कि बुलाओ डांसर्स को बुलाओ प्रेस को सामने करो काहे के लिए पीठ पीछे क्यों कर रहे हैं पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं प्रेस को बुला के बोल रहे हैं मैं तो सामने हूँ मैं तो आज भी सरोज जी को बोलता हूँ आइए सामने बैठिए बात कीजिए पता चल जाएगा किसने क्या किया ने क्या किया ये गलत बात कर रहे हैं सरोज जी को नहीं करना चाहिए और सरोज जी का मैं कोई चेला नहीं हूँ मैं कोई असिस्टेंट नहीं हूँ मैंने मेहनत से अपनी दुनिया बनाई है आज भी मैं अगर गुड न्यूज़ देता हूँ तानाजी देता हूँ 50 फिल्में कर रहा तो मैंने मेहनत से किया सरोज जी ने नहीं बनाया एक दिन फ़ोन करके बोलती तू क्या कर रहा है तू ये क्या कर रहा है बोला आपको नहीं पूछने वाले बोले मेरी माँ हूँ मेरी माँ मेरे घर पे है वो मुझे पूछती नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं उसको अपने बेटे भरोसा है आप अपने बेटे को पूछिए मुझे मत पूछिए ये गलत बात नहीं कर रहे सरोज जी अच्छा नहीं लग रहा उनके बारे में बोलना बहुत बुजुर्ग कोरियोग्राफर है लेकिन ये कुछ पैसों के वजह से इस CDA के डांसर्स के पेट पे लात मार रहे हैं पैसा लेके मैंने इनोग्रेशन किया इन लोग के बारे में एक बार भी सोचा नहीं जाके मिल के बात करना चाहिए ना डांसर्स से कि गणेश आचार्य पैसा खा रहा है क्या इन लोग बताएंगे डांसर्स बताएंगे